बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना अपशर का अकाउंट का पासवर्ड जो है वो आप कैसे चेंज करेंगे, मतलब ओल्ड पासवर्ड में चेंज करके नया पासवर्ड आप कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपशर की वेबसाइट पे आके यहाँ पे आप लोगों ने लॉगिन होना है, अपनी यूज़र आईडी यहाँ पे एंटर करनी है और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे अपना, जो भी आप लोगों का पहला पासवर्ड है वो आप एंटर करके यहाँ पे लॉगिन होंगे। और यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा आप लोगों के मोबाइल नंबर पे। और यहाँ पे लॉगिन होंगे, तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा अकाउंट जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर जो है देखिए, ये चेंज पासवर्ड जो है यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों की आईडी भी है और यहाँ पे करंट पासवर्ड यानी जो आप लोगों का पहला वो पासवर्ड है, पहले वो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करना है। और यहाँ पे आप लोगों ने न्यू पासवर्ड लिखना है। जो भी आप लोग अपना न्यू पासवर्ड इंटर करेंगे वो आप लोगों ने इंटर करना है। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा यानी पासवर्ड इतने हरूफ के होने चाहिए, आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से रखिएगा, लेकिन ये इसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं तो ये पूरी पॉलिसी है, आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 8 करेक्टर होने चाहिए। यहाँ पे भी फिर कंफर्म पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो आप लोगों का चेंज हो जाएगा। और आप लोग दूसरी मर्तबा अगर लॉगिन होंगे तो ये पासवर्ड याद रखिएगा, लिख के रखिएगा। और दूसरी मर्तबा यही पासवर्ड आप लोग एंटर करेंगे तो उसी पासवर्ड से आप लोगों का आईडी जो है अपशर आईडी ओपन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।